हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सब अपने अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज सुबह सुबह बना रही हूँ मैं नाश्ते में बेसन के चीले, क्योंकि बच्चे जाएंगे स्कूल और कभी कभी ना बच्चों के टिफिन में कुछ अलग सा दे दो तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे चीले बनाने लगी हूँ। तो बेसन मैंने यहाँ पे ले लिया है और अभी मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसका घोल बना रही हूँ। और बेसन के चीले हमारे घर में सभी को पसंद हैं, सूजी के तो इतने नहीं खाते हैं, बेसन के सभी लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज ले ली है, दो टमाटर ले लिए हैं और ये दो तीन हरी मिर्च ले ली हैं, जो कि मैं बारीक बारीक काट के और इस बेसन में डालने वाली हूँ। और काफ़ी टेस्टी लगते हैं ये सारी चीज़ें डाल के बनाओ तो। आप चाहे तो और भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो प्याज वगैरह सारी चीज़ें ली थी वो धो के और मैंने यहाँ पे बारीक बारीक काट ली हैं। और अभी दूसरी साइड बन रही है चाय यहाँ पे सुबह की, क्योंकि नाश्ते में अभी 10-15 मिनट लग जाएंगे बनने में, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चाय बना ली थी, एक एक कप। तो चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और जो मैंने ये टमाटर प्याज काट के रखे थे वो मैं बेसन में डाल दूँगी। और मैं साथ में डालूँगी थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, मिर्च डाल दूँगी और धनिया पाउडर डाल दूँगी। और फिर मैं इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। और इसमें मुझे डालना है अभी पानी, क्योंकि ये तो ज़्यादा ही गाढ़ा है, इतने गाढ़े पेस्ट का तो हमारा चीला नहीं बन पाएगा। तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स करके फिर मैं बनाने शुरू करती हूँ। कि तो ये देखिए, यहाँ पे मैं लोहे के तवे पे बना रही हूँ, कोई नॉन स्टिक तवा नहीं है मेरे पास, तो मैं तो आराम से बना लेती हूँ ऐसे ही। अगर आपके चीले लोहे के तवे पर चिपकते हैं और वो नहीं पलटे जाते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि तवे पे पहले थोड़ा सा तेल लगाना और उसके बाद पानी का छिड़काव कर देना उस पर, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको छिड़क लेना है और फिर जो है कपड़े से साफ़ कर देना है। और फिर आप चीले बनाएंगे तो आपके चीले बिल्कुल भी नहीं चिपकने वाले, बहुत आसानी से पलटे जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि तवे पे चीले चिपक जाते हैं, लोहे के तवे पे नहीं बन पाते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं और बहुत आसानी से बन जाएंगे ऐसे करोगे तो। ये देखिए, हमारे चीले तो बन चुके हैं गर्मा गर्म, और आप लोग भी खा लीजिए। और मैंने लगा दी है यहाँ पे सबसे पहले वर्षा की प्लेट, सबसे पहले वर्षा को दे के आती हूँ और गर्म गर्म बनते रहेंगे, सबको देती रहूँगी एक एक करके। तो भैया आज जा रही है, आज जा रही है वर्षा पार्टी में और हो रही है तैयार। दिखाओ वर्षा क्या पहना है, ये हो रही है ब्लैक ब्लैक नीचे से ऊपर तक ब्लैक और ये पिंक। और प्रियांशु कंप्यूटर चला रहा है, बाहर खोल दो। नहीं पौनी बनाऊंगी ना, पोनी बना दो, अच्छी लगेगी ऐसी। बेचारा फायरफॉक्स एक साथ से गाइस, तो कितना क्यूट है ये। तो वर्षा हो गई है रेडी, जा रही है। ओ आए तो थंबनेल ले लूं एक। टाइटल आएगा इसका, बन ढंग के कहां चली बेटी। तो ये वाला फोन ले ले बेटा, देखा बेटा तू ऐसे लग रहे, तू कहीं जा रही है, दूर जा रही है हमसे। मैं जा रही हूं भाई। आया भैया एक साथ ही काम लगा, 5 मिनट के लिए बोल देना। हैंग के रख लिया एक। ये वर्षा की फ्रेंड का बर्थडे है, वर्षा जा रही है पार्टी में। क्या फोन लेके जाना, कॉल किससे करेगी बताओ। पापा वाला फोन जा तो रहा है। तो आज वर्षा की फ्रेंड का बर्थडे है, तो वो तो अपनी फ्रेंड के बर्थडे में चली गई है और मैं जो कुछ काम पड़े हैं मेरे बचे हुए, मैं उनको समेटने में लग गई हूँ। तो सुबह से तो नाश्ते के बाद मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि काम भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और फिर मुझे ध्यान नहीं रहता वीडियो रिकॉर्ड भी करना है। तो इसके पापा भी जल्दी आ गए थे और अभी गए हैं वर्षा को छोड़ने के लिए। और आज तो मैंने शॉल भी पहन रखा है, क्योंकि आज तो वही ठंड लग रही है, आज बहुत ठंड है। और इधर वर्षा भी आ गई अपनी फ्रेंड के बर्थडे से लौट के, ये 1 घंटे में वापस आ गई, इसके पापा छोड़ने गए थे फिर इसको लेने गए। तो मैं जा रही हूँ अभी छत पे, जो मैं सुबह कपड़े धो के डाल के आई थी उनको उतारने जा रही हूँ। तो मैं आ गई हूँ छत पे और ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि कितने सारे कपड़े धुले हुए पड़े हैं। तो अभी मैं सबको उतार लेती हूँ और उतार के नीचे जाके अभी मुझे बनाना है खाना, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है शाम का, तो जाके खाना बनाऊँगी मैं अभी। और खाने में बनाने वाली हूँ मैं आज कढ़ी चावल। तो यहाँ पे ले मैंने ले लिया है बेसन और इसमें डाल लिया है नमक, मिर्च और धनिया पाउडर।
और ये थोड़ा सा घोल अलग बनाया है जिसमें मैं दही डाल के और मिक्स करके इसकी कढ़ी बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ पकौड़ी कढ़ी वाली। तो पकोड़े तो मेरे बन चुके हैं। यहाँ पे ले लिया है मैंने जो बेसन पहले से घोल के रखा था, उसमें मैंने दही फैट के डाल दिया है, हल्दी डाल दी है और साथ में धनिया डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, इसमें ये कुटली सी नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर मैं कढ़ी को छोंक लगाती हूँ। तो यहाँ पर कढ़ाई में तेल काफ़ी ज़्यादा था तो मैंने कम कर दिया है पहले से, क्योंकि पकौड़ों के लिए ज़्यादा तेल डाल रखा था। और अब मैंने इसमें डाल दिया है मेथी, हींग डाल दूँगी। तब इस तेल में डालती हैं मैंने मिर्ची और जो मैंने घोल बना के रखा है कढ़ी वाला वो मैं इसमें डाल दूंगी। और इसको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो फिर फटने का डर लग रहता है, अगर हम नहीं चलाएंगे तो फटने का डर लग रहेगा। और नमक तो मैं उबाल आने के बाद में ही डालती हूँ। और आज की कढ़ी मैंने लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला, आज बहुत ही सिंपल तरीके से कढ़ी बनाई है और मुझे ज़्यादा ये सिंपल वाली ही पसंद है। लहसुन प्याज तो मैं कभी कभी डाल देती हूँ, बस कभी मन करता है तो डाल देती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादा ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत ही अच्छी बनती है ऐसे भी बनाओ तो। तो इतने कढ़ी में उबाल आ रहा है, इतने में साथ साथ अपना दूसरा काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। ये कुछ मसाले ख़त्म हो रखे थे मसालेदानी में, तो ये नमक के डब्बे में नमक डाल दूँगी खोल के। और धनिया भी ख़त्म हो रखा था, मिर्ची भी ख़त्म हो रखी थी, सारी चीज़ें ख़त्म हो रखी थी, तो मैं सबको सबके पैकेट खोल खोल के डब्बे में डाल देती हूँ। तो इधर देखिए कढ़ी में उबाल भी आ चुका है, अभी मैं इसमें नमक भी डाल देती हूँ। और बस नमक डालने के बाद इसको 1 घंटे के लिए बनने के लिए छोड़ देना है और बीच बीच में चेक भी करते रहना है साथ साथ। मम्मा से कुछ अपने खेलने के लिए बनवा रहा हूँ, जब वो बन जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा, है ना मम्मा? यस। आ गई है गाइस, ये देखो मम्मा यहाँ पे बना रही है। तो यहाँ पे प्रियांशु मुझसे कुछ खेलने के लिए बनवा रहा है, इसका नाम मुझे भी नहीं पता कि क्या बनवा रहा है, बस मैं तो वीडियो में देख देख के बनाए जा रही हूँ। तो अभी देखते हैं कि क्या बन पाता है। तो ये देखिए कढ़ी हो चुकी है हमारी तैयार बनकर, और साइड में बन रहे हैं चावल, मैंने चावल ही रख दिए हैं साथ साथ बनने के लिए। और अभी मुझे इस कढ़ी में तड़का और लगाना है, तो मैंने घी में देगी मिर्च डाल दी थी और ये 2-3 साउथ वाली जो लाल मिर्च होती हैं वो डाल दी हैं और लगा दिया है इसमें तड़का। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी कढ़ी लग रही है ना, देखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो बिना लहसुन प्याज के आप बना सकते हैं ऐसे, अगर बनाना चाहते हैं तो। वैसे तो कढ़ी बहुत अलग अलग तरीके से बनती है, कई तरीक़ों से बनती है, सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं भी खुद 2-3 तरीके से बना लेती हूँ कढ़ी, लेकिन आज मैंने सिंपल ही बनाई है। तो ये देखिए खाना बनाते बनाते इतने सारे बर्तन भी हो गए थे, वो मैंने सारे साफ़ कर दिए हैं। और इधर खाना भी बन के तैयार है, कढ़ी हमारी बन के तैयार है और इधर चावल ही बन गए हैं। तो अभी मैं सबसे पहले इन बर्तनों को लगा लेती हूँ, उसके बाद खाना खाएंगे। तो हमारे कढ़ी चावल हो चुके हैं रेडी बन के। कढ़ी ये नींबू वाली प्याज है, चावल है और रोटी हमने नहीं बनाई क्योंकि रोटी कोई खाएगा ही नहीं हमारे घर में, सब चावल है। जब चावल बनते हैं फिर रोटी कोई नहीं खाता। तो आइए और आप लोग भी खा लीजिए। मेरे को भूख लगा मम्मा। चलो चम्मच लाओ। अच्छे मस्त, मीठा तो नहीं है ज़्यादा? गोंद है ना, गोंद का एक अलग ही टेस्ट आ रहा है ना। तो खाना खाने के बाद ये यहाँ पे खा रहे हैं लड्डू, और लड्डू खाने के बाद कर रहे हैं तारीफ। तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई ये लड्डू जो मैंने बनाए थे। और ये लड्डू मैंने गुड़, आटा, तिल, गोंद, मूंगफली और ये सारी चीज़ें डाल के बनाए थे। तो अगर आपको देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जाइए और देख लीजिए और आप भी बनाइए सर्दियों के स्पेशल लड्डू। तो अभी खाना वगैरह सबका हो चुका है और अभी सब लोग खाएँगे यहाँ पर बैठ के मूँगफली। हेलो करो। हेलो गाइस,
तो कर लेते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।